हरियाणा में विधानसभा चुनावों के चलते कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। सियासी दाव पेच हो या जुबानी जंग, सभी दल आपस में विधानसभा चुनावों के चलते एक दूसरे पर हावी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्षी नेताओं को दबोच रही है। तो ये जानते हैं, क्या सच में सैनी सरकार किसी प्लान के तहत एजेंसियों की सहायता से कांग्रेस को टारगेट कर रही है? कांग्रेस के जाने माने और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी नेता रावदान सिंह पर हुई ईडी की कार्रवाई से ये सिलसिला शुरू होता है, जब ईडी की रेड में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के बेटे और उनके करीबियों से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। ईडी ने उन पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके बाद ईडी का अगला शिकार हुए सुरेंद्र पवार, जिन्हें ईडी ने अवैध खनन के आरोप के चलते सलाखों के पीछे डाला है। अपने दो बड़े नेताओं पर ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस कहां चुप बैठने वालों में से है। इसी में कांग्रेस नेता कुलदीप वत्स ने सैनी सरकार पर हमला बोलते हुए ईडी की कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने का हथकंडा बता दिया। देखिए, जिस प्रकार से एक दबाव की राजनीति, जहां जहां इलेक्शन आते हैं वहां काम करने का काम करते हैं। वो रावदान सिंह जी की बात थी, चाहे वो भाई हमारे आज जो सुरेंद्र पवार है विधायक उनकी बात थी, चाहे मास्टर सतबीर थे जो भिवाड़ी से उनके ऊपर थी, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम की कुर्सी के लिए भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने भी सैनी सरकार पर हमला बोलते हुए विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये जो ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई का दौर हरियाणा पिछले एक हफ्ता से, जब से हमने हमारा ये अभियान शुरू किया है, उसके पैरेलल इनका भी अभियान शुरू हो गया है। उसके पैरेलल इन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है और विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। तीसरे विधायक, तीन विधायक, तीन दिन तीन विधायक, आपने देखा कांग्रेस पार्टी के, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। इनकी कार्यशैली पिछले 10 साल से जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है, पूरे देश में लिया जा रहा है, हरियाणा में भी ये कार्रवाई उसी का हिस्सा आप मानिए। लेकिन जहां जहां जांच एजेंसियां ज़्यादा सक्रिय होती हैं, वो इस बात का संकेत होता है कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है। तो हारने जा रही है तो मैं ये कहूँगा कि जहां जहां गए, जिन जिन विधायकों के पास भी गए हैं, वो साथ में ये मुझे लगता है जीत का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, उनको दे के आ रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है। तो ये हम कोई जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लोगों की आवाज उठाना बंद कर दे, ऐसा संभव नहीं है। वही कांग्रेस के नेताओं के आरोपों का खंडन करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये ईडी का आपसी मामला है, जिससे उन्होंने ये साफ कर दिया कि बीजेपी और ईडी का आपस में कोई संबंध नहीं है। वो ईडी का मामला है, जहां पर भी कोई गलत होगा तो वो काम अपने आप कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे से ना पूछा जाता है ना हम उसके अंदर कोई इंटरवीन करते हैं, क्योंकि वो उनका मामला है। सीएम नायब सैनी के बयान से ये तो साबित हो गया है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। वही कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में अपना व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश कर रही है, ताकि चुनावी रण में कांग्रेस के पास कोई जिताऊ या मजबूत चेहरा ना रहे। और विधानसभा चुनावों में वो बाजी मार सके, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बेशक से कांग्रेस कई राज्य में कमजोर हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश में पार्टी बीजेपी से कहीं ज्यादा मजबूत है, जिसका प्रमाण हमें इन लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला। खैर, ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चल पाएगा कि विपक्ष के आरोप कितने सही साबित होते हैं।